तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है या फिर आपने अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो चुका है तो उसको रीअप्लाई कैसे करना है मोनेटाइजेशन के लिए, या फिर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो भी कैसे मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है। आप सब लोगों को पता है यूट्यूब की एक बेसिक क्राइटेरिया है जो कि आपको पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप अपना चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो इसमें आपको चाहिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और उसके बाद 4000 घंटे का वॉच टाइम। अगर आप ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हो चुके हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपने कोई भी कंटेंट किसी यूट्यूब क्रिएटर का या किसी भी यूट्यूब पॉपुलर चैनल का, या फिर वो पॉपुलर नहीं भी है तो कोई भी आउटसाइड या थर्ड पार्टी कॉपीराइट कंटेंट आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं तो आपका चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ध्यान से सुनिए, समझिए और एक एक चीज़ बहुत बारीकी से मैंने इसमें कवर की है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अपने मोबाइल के स्क्रीन में सर्च कीजिए YT स्टूडियो। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में YT स्टूडियो है ना। इस YT स्टूडियो को हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस अपने पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये चैनल है अखिल का, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1248 ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इन्होंने कई सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, जो कि क्योंकि ये एक सिंगर हैं तो म्यूज़िक से रिलेटेड ही वीडियो ये अपलोड करते हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम में आपको ऑप्शंस दिखेंगे, बॉटम कंटेंट है ना, ये अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए योर चैनल रिमेन इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने ऑलरेडी इनका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया था और उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया एक अपील वीडियो के साथ। अभी अपील वीडियो क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो इन्होंने अप्लाई किया लेकिन दोबारा से, मतलब सेकेंड टाइम जब इन्होंने अप्लाई किया दोबारा से इनका जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद यूट्यूब ने कुछ इन्हें देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। रिक्वायरमेंट थी इनको 1000 की, 1248 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे चाहिए थे तो 4464 घंटे भी हो गए हैं। कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं है और इनका 2-स्टार वेरीफिकेशन भी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है बॉटम में रीअप्लाई के लिए, जो कि हाइड है। ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखिए व्हाट हैपन, और ये देखिए जैसा कि मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए पूरा क्राइटेरिया इनका पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी इनका मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। YouTube को क्या चाहिए? YouTube को बेसिकली चाहिए कि कोई भी कंटेंट आपने किसी और का नहीं उठाया हो। अब हमें क्या करना है, इसको रीअप्लाई कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे तो बटन हाइड हो गया है। अब ये देख रहे हैं आप, दो वीडियो हैं यहाँ पर, एक वीडियो ये पहले कर चुके हैं अपलोड जो कि 5 दिन पहले की है और दूसरी वीडियो इन्होंने अभी 14 मिनट पहले ही अपलोड की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा किसी का कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। और इन्होंने उस अपील वीडियो का अपना लिंक भी वीडियो के बॉटम में मेंशन किया है ताकि यूट्यूब वीडियो का नहीं अपने चैनल का लिंक, ठीक है, ताकि यूट्यूब इजीली आइडेंटिफाई कर सके इन्होंने गलती क्या की थी। इन्होंने जो अपना पहला यूट्यूब अपील वीडियो बनाया था उसके अंदर इन्होंने अपने ईमेल आईडी का नाम बता दिया बजाय अपने यूट्यूब चैनल के, तो यूट्यूब कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप किस चैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीडियो में आपको बोलना होता है वो अपने YouTube चैनल के नाम बोलना होता है। इन्होंने बताया कि मेरा एक RDS म्यूजिक समथिंग करके ईमेल आईडी है। अभी देखिए वीडियो कैसे बनानी है वो भी आप देख लीजिए। जब भी आप कोई वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको एक अपील वीडियो बनानी है, अगर आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है तो, ठीक है। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है तो ये अपील वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको अपील वीडियो सबमिट करनी पड़ेगी तब जब आपका YouTube चैनल का रिजेक्शन हो गया है, ठीक है, मोनेटाइजेशन रिजेक्शन। और अपील वीडियो में आपको क्या बोलना होता है, आपको बोलना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा चैनल ये नाम से है और मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ और मैं कभी भी किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। अगर गलती से मुझसे कोई कंटेंट यूज़ हो गया है तो उसके लिए मैं
बाय हार्ट सॉरी बोलता हूँ और आगे से मैं ये मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा। इस तरह की आपको एक रिक्वेस्ट अपील वीडियो बना के यूट्यूब को सबमिट करनी होती है, ठीक है, अपील लिंक पे जा कर के, ठीक है, उसके बाद ही यूट्यूब उसको वीडियो को देखेगा। आप हिंदी इंग्लिश, ठीक है, या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि हिंदी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या में बोली जाती है और इंग्लिश तो यूनिवर्सल है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश का दोनों का ही इशू है तो फिर आप अपनी वीडियो अपनी ही किसी लैंग्वेज में बना सकते हैं, जैसे बंगाली, पंजाबी या जो भी है आपकी लैंग्वेज, ठीक है। साथ में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो सबटाइटल उसमें डाल दें। सबमिट करेंगे तो आपका जो है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे वीडियो जब हमने बना ली है तो उसको किस तरह से सबमिट करना है, तो जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मोबाइल पे काम कर रहे हैं उनको अपने ब्राउज़र में आना पड़ेगा। देखिए, ये मैं ब्राउज़र में आ गया और यहाँ पे मैंने यूट्यूब खोला, तो मोबाइल साइट के लिए हम m.youtube.com लिखते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें उस चैनल को सबमिट करना है। मैं कई सारे यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अखिल का ये चैनल दिख रहा है आपको, 1240 सब्सक्राइबर। इस चैनल को हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही हमें मोबाइल पेज ओपन होगा, लेकिन अब हम इसको वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी किया। आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको टिक करना है, तो आपके मोबाइल में ही डेस्कटॉप का पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि अपील के लिए जब आप सबमिशन करेंगे तो वो आपके मोबाइल पेज पर नहीं होगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चाहिए। और अगर नहीं है आपके पास तो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में यूट्यूब ओपन करेंगे और वहीं पर आप जो है डेस्कटॉप साइट ओपन करके इसको चला सकते हैं। एक चीज़ और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, गूगल क्रोम में अगर आप डेस्कटॉप साइट खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जैसे ही आप यूट्यूब स्टूडियो ओपन करेंगे वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा यूट्यूब स्टूडियो के एप्लीकेशन की तरफ। ओके, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इस वीडियो के लिंक में मैं एक ब्राउज़र का लिंक मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो ब्राउज़र है इसमें आप खोलेंगे तो आपको ये किसी भी एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा, वहीं पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी चैनल ओपन हो गया, हम चैनल में अब अपना स्टूडियो ओपन करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो रहा है, तब तक के लिए वेट कीजिए। और कीवी ब्राउज़र, इस ब्राउज़र का नाम है कीवी ब्राउज़र, ईजीली आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। अब आई डोंट नो लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन सीरियसली मैं यूज़ करता हूँ, ये बहुत बढ़िया ब्राउज़र है। तो अब देखिए ये हमारे पास पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। देखिए YouTube मोनेटाइजेशन आपका रिमेन इनएलिजिबल दिखा रहा है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे रीअप्लाई का जो बटन है वो हाइड है। ओके, तो अब क्या करेंगे, जब आप अप्लाई ही नहीं कर सकते तो यहाँ पे YouTube ने बेसिकली इनको क्या कहा है, कभी भी जब एक बार आपका, देखिए फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जब भी आपका कोई ऐसा कंटेंट है आपके चैनल पे जो कि किसी और क्रिएटर का है या किसी पर्टिकुलर किसी ब्रांड का है, तो वो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा और वो YouTube आपसे बोलेगा कि आप अप्लाई कीजिए अपील करके। तो जब आप एक अपील वीडियो सबमिट करेंगे, वो अपील वीडियो अगर अच्छा नहीं है या फिर उससे वो जज नहीं कर पा रहे हैं कि आप सही हैं या गलत हैं, है ना, तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में एडिट योर चैनल एंड रीअप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं 7 नवंबर को, ठीक है, उससे पहले आप दोबारा रीअप्लाई नहीं होगा। और इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए हैं कि आप किस तरह की वीडियो मोनेटाइज कर सकते हैं और किस तरह की वीडियो नहीं मोनेटाइज कर सकते। तो हम पॉइंट नंबर 1 की अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे रिव्यू, ठीक है, रिव्यू द इनिशियल फीडबैक। तो यहाँ पे आप देखेंगे डू में क्या इन्होंने मेंशन किया, कोई भी फनी थॉटफुल रिविज़न अगर आप करते हैं तो वो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो है ना जो कि किसी का ऑलरेडी किसी पुराने कंटेंट क्रिएटर का है तो उसको आप मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा। उसके बाद कोई भी सॉन्ग्स की कलेक्शन आप डालते हैं है? तो उसको भी आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे कोई भी क्लिप या मोमेंट्स, ठीक है, जो कि आपके फेवरेट, जो भी आपके फेवरेट क्लिप या मोमेंट्स हैं उसको आप एडिट करके
जिसका कोई पर्पस नहीं है, ओके, कोई नरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो डालेंगे तो वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। सिमिलरली इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप क्या क्या मोनेटाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कोई भी, जैसे कोई फ़नी थॉटफुल कंटेंट अगर आपके आप जो कि ओरिजिनली आपका नहीं है और उसमें कुछ फ़नी क्रिएशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मोनेटाइज हो जाएगा। उसके साथ कोई क्लिप ऐसी है जहाँ पे आप कोई रिव्यू दे रहे हैं, किसी मूवीज़ का रिव्यू है या कोई भी वीडियो का रिव्यू आप कर रहे हैं, तो वो मोनेटाइज हो जाएगा। साथ में कोई सीन आपने मूवी का उठा लिया और उसका जो पर्टिकुलर डायलॉग है उसको आपने चेंज कर दिया और अलग आवाज़ में डब करके, बट सीन वही है, आवाज़ आपने चेंज कर दी, डायलॉग्स की लाइन चेंज कर दी, तो वो भी आप यू मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में कोई भी स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट का आप देख रहे हैं और आपने वो कोई सीन उठा लिया और उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कंपटीटर के बारे में, है ना, कि वो कैसे सक्सेस हुआ, वो कैसे फेल हुआ, ओके, तो वो भी आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। उसके साथ साथ कोई रिएक्शन वीडियो अगर आप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं और उसके रिएक्शन क्या हो रहे हैं आपके, तो रिएक्शन वीडियो भी आप मोनेटाइज करवा सकते हैं, जो कि आपने क्रिएट नहीं की बट आपका रिएक्शन उसमें ओरिजिनल है, ठीक है, तो वो भी यूट्यूब आपको यस करता है कि आप कर सकते हैं मोनेटाइज। साथ में कोई एडिटेड फुटेज है, ठीक है, जो कि कोई भी ऐसी फुटेज आपने उठा ली और उसकी स्टोरी लाइन आपने अपनी तरफ से ऐड कर दी या उसकी आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो उसको भी आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और अब मैं